गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम सुमन शर्मा आपकी हिंदी टीचर। बेटा कल हमने कठिन शब्द पढ़े थे पाठ 10 के। आज हम पाठ 10 के इसका भूत के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं आज तारीख क्या है। मार्च महीना अक्टूबर और वर्ष कौन सा है 2020। सोमवार ग्रह कार्य ठीक है। शब्द अर्थ फर्स्ट है बेटा समाप्त। समाप्त होता है खत्म या अंत। बेटा जैसे मैंने ये काम स्टार्ट किया है, शब्दार्थ यहाँ से मैंने शुरू किए हैं और यहाँ पे खत्म किए हैं, तो कोई भी काम आरंभ होता है तो उसका एंड भी होता है, खत्म भी होता है। तो समाप्त का क्या होता है? खत्म या अंत। समीप पास या निकट। मैं अब बोर्ड के पास हूँ और ये मैं इससे दूर हो गई, ये हो गया समीप निकट या पास। तीसरे नंबर पे है उतावला, जल्दी में होना। जैसे बेटा कोई बच्चा तो बहुत ज़्यादा उतावला होता है, क्लास में बोलता है कि मेरी नोटबुक सबसे पहले चेक होनी चाहिए, वो उतावला होता है, एक्साइटेड होता है ठीक है। नंबर फोर्थ है अनसुनी, जो बात आपने कभी सुनी ना हो, न सुनी हुई बात, अनसुनी न सुनी हुई। फिफ्थ नंबर पे है कराना, दर्द भरी आवाज़ निकालना। जैसे हमारे घर में हमारे बुजुर्ग होते हैं, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो दर्द के कारण उनके मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे बोलते हैं हम कराना ठीक है बेटा। सिक्स नंबर पे है पगडंडी, पैदल चलने का रास्ता। बेटा आप देखते हैं सड़क पे, एक तो सड़क होती है जिसपे वाहन आते जाते हैं और दूसरी साइड पैदल चलने का रास्ता बना हुआ होता है, उसे ही बोलते हैं पगडंडी। सातवें नंबर पे है प्रिय, प्रिय मीन्स होता है प्यारा। जैसे हमारे भाई बहन हमें बहुत प्यारे लगते हैं। आठवां है उपाय, उपाय मीन्स क्या होता है? तरकीब। जैसे हम मैथ्स में सम्स करते हैं, कोई सम्स तो आसान होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट हमें आते नहीं हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उपाय के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है ठीक है बेटा। कोई भी प्रश्न हो या समस्या हो उसको सुलझाने के लिए हमें उपाय करना पड़ता है, वही होता है उपाय का तरकीब ठीक है बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, समाप्त खत्म या अंत, समीप निकट पास, उतावला जल्दी में होना, अनसुनी न सुनी हुई, कराहना दर्द भरी आवाज़ निकालना, पगडंडी पैदल चलने का रास्ता, प्रिय प्यारा, उपाय तरकीब। बेटा आप सभी ने शब्दार्थ सुने पढ़े, अब आप सभी शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिख के देखेंगे ठीक है बेटा। थैंक यू।